हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। आज हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है बेसिलस। तो बेसिलस हमारा होता क्या है? बेसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिलाई क्या होता है? जनरली ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है मतलब क्या है? रॉड शेप्ड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारा सॉइल में प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है, डस्ट एंड एयर में यह प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा? बेसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनरली इट हैविंग पेरिट्राइकस फ्लैजला सो देट आर मोटाइल। मतलब क्या है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें इसकी परिधि की ओर, मतलब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं वो मोटिलिटिक मूवमेंट करने के लिए या मोटिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट बेसिलाई एंथ्रासिस आर नॉन मोटाइल। बट क्या है? जो बेसिलस एंथ्रासिस होता है वो नॉन मोटाइल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अभी हमने देखा जनरल सा बेसिलस। आगे हम बात करते हैं इसकी सब स्पीसीज के बारे में। तो इसकी सब स्पीसीज होती क्या है? तो फर्स्ट हम देखेंगे बेसिलस एंथ्रासिस। बेसिलस एंथ्रासिस जनरली होता क्या? तो बेसिलस एंथ्रासिस जो है ये बेसिलाई की सब कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब इसकी स्पीसीज है बेसिलस की। बेसिलस की स्पीसीज है बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। हम बेसिलस एंथ्रासिस के बारे में बात करते हैं। बेसिलस एंथ्रासिस इज द क्वाजिटिव एजेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज कॉल्ड एंथ्रासिस, ठीक है। बेसिलस एंथ्रासिस एक कॉजिटिव एजेंट है जो कि जूनोटिक डिसीज कॉज करता है, इसी को हम एंथ्रेक्स बोलते हैं। अब जूनोटिक डिसीज एंथ्रेक्स होता क्या है? सिंपल सी हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो बेसिलस एंथ्रासिस एक ऐसी बीमारी है जो पहले जानवरों को इन्फेक्टेड करती है, ठीक है। मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना, पैट एनिमल, उनमें इन्फेक्शन कॉज करेगी। जैसे जू है, जू के अंदर जो एनिमल रहते हैं उसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करती है एनिमल में, और उन एनिमल के कांटेक्ट में जब मैन आता है तो उस जो एनिमल है, एनिमल से मैन जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसी डिसीज़ को हम जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं, और इसी डिसीज़ को हम एंथ्रेस डिसीज़ भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो गेंड इम्पॉर्टेंट रिसेंटली बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू बी यूज ए बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल वेपन्स के अकॉर्डिंग इसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे हम इसे बात करते हैं, इट इज़ क्वाजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेस इज द डिसीज प्राइमरली ऑफ एनिमल एंड मैन गेट इन्फेक्टेड ओकेजनली गेट इन्फेक्टेड सेकेंडरी। मतलब क्या होता है? जो बेसिलस एंथ्रासिस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट कहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा? एनिमल में। देन सेकेंड कहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है? मैन में। तो प्राइमरी इन्फेक्शन ये एनिमल को करता है, देन सेकेंडरी इन्फेक्शन ये मैन को करता है। आगे बात करते हैं, कंसिडरेबल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इज अट्रैक्टेड टू एंथ्रेस बेसिलस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो जो बेसिलस एंथ्रेसिस है वो किस तरह से अटैच होता है बेसिलाई से, इसके फॉलोइंग रीजन हमने दिए हैं, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने दिए। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट बैक्टीरियम है उसको पोलेंडर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1849 में इसे डिस्क्राइब किया था या ऑब्जर्व किया था। कहाँ पर? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था, यानी माइक्रोस्कोपी के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किया था पोलेंडर साइंटिस्ट ने 1850 में कि जो बेसिलस एंथ्रासिस है उसके स्पॉर्स भी होते, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी दिखाई देते हैं, स्पॉर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह फर्स्ट कम्युनिकेबल डिसीज है। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल का मतलब होता है वहाँ डिसीज़ जो कि एक से दूसरे में फैलती है, एक से दूसरे में फैलने वाले डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। ट्रांसमिटेड बाय इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट बैक्टीरियम टू बी आइसोलेटेड प्योर कल्चर एंड सोर्स स्पोर्स बाय रॉबर्ट कोच।
मतलब रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1876 में जो बेसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स हैं उसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, फर्स्ट बैक्टीरियम यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एट्यूनेटेड वैक्सीन। ठीक है, तो जो ये क्या है, हमारा बेसिलस एंथ्रेसिस है। बेसिलस एंथ्रेसिस के लिए सबसे पहली बार लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन बनाई गई है। और लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का को डिस्कवर किसने किया था, लुइस पाश्चर ने 1881 में फर्स्ट एट्यूनेटेड वैक्सीन को डेवलप्ड किया था। ठीक है, तो एट्यूनेटेड वैक्सीन होती क्या, एट्यूनेटेड वैक्सीन वह वैक्सीन होती है जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट उसकी डिसीज क्वेजिंग पावर को किल करने के लिए इसे बनाया जाता है। मतलब जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया के जैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है, बैक्टीरिया जैसा इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद डिसीज कॉज करते हैं, उनकी जो डिसीज क्वेजिंग पावर होती है उसको किल कर देने के लिए इस वैक्सीन को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बेसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होते किस तरह से दिखाई देते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है, नॉन मोटाइल होता है। मतलब इसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला वगैरह, और जनरली क्या होता है जो बेसिलस एंथ्रेसिस है इसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला वगैरह नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जो बेसिलस है, बेसिलस में उसकी जो परिधि होती है वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम उसे पेरिट्राइकस फ्लैजिला बोलते हैं। और वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, यानी कि बेसिलस मूवमेंट करता है और बेसिलस एंथ्रेसिस मूवमेंट नहीं करता है। बेसिलस आर मोटाइल और बेसिलस एंथ्रेसिस आर नॉन मोटाइल। इतना क्लियर है आप सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका साइज है 3 to 10 μm into 1 to 6 μm, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, आप देख सही कर लीजिएगा। इसका जो साइज है 3 to 10 μm इसकी लंबाई होती है और 1 to 1.6 जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, रेक्टेंगुलर इन शेप्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई, यानी जो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है वो स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है, यानी कि स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई होता है। बेसिलाई फाउंड इन सिंगल पेयर एंड शॉर्ट चेन, यानी कि जो बेसिलाई होता है वो सिंगल पेयर में प्रेजेंट होता है और शॉर्ट चेन में प्रेजेंट होता है। चेन आर सराउंडेड बाय कैप्सूल, ये जो चेन होती है कैप्सूल के थ्रू घिरी हुई होती है। ठीक है, सराउंडेड दैट मीन्स घिरी रहना। ठीक है, तो इसकी जो चेन होती है बेसिलस एंथ्रेसिस की, ये कैप्सूल के थ्रू एक खुद को कवर करके रखती है। इसके जो कैप्सूल होते हैं आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, यानी कि जो कैप्सूल है वो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। स्पोर्स आर नेवर फाउंड इन एनिमल बॉडी ड्यूरिंग लाइफ, जो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी में फाउंड नहीं होते। ठीक है, दे आर फाउंड इन कल्चर और इन द सॉइल, मतलब ये जो इसके स्पोर्स होते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस के, इसके स्पोर्स कल्चर में और सॉइल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है हमारा जनरली बेसिलस एंथ्रेसिस का डायग्राम। ठीक है, ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है इस तरह से चेन में प्रेजेंट होता है, ये खुद को कैप्सूल से कवर करके रखते हैं। ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है, बेसिलस एंथ्रेसिस को हम एग्जामिनेशन करें, इसे माइक्रोस्कोप में देखें, तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है इसका स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे प्याज की जो स्लाइस कटी हुई होती है ना, कटने के बाद जिस तरह से दिखाई देती है उस तरह से ये दिखाई देता है। या फिर ये जो दिखाई दे रहा है ना एंथ्रेक्स बेसिलस लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमारी चोटी गुथी हुई रहती है ना उस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। चोटी के जैसा गुथा हुआ स्ट्रक्चर या स्लाइस फॉर्म में कटा हुआ स्ट्रक्चर ये जो दिखाई देता है, तो हम इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेड्यूसा हेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या है, हम अब इसके कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है जनरली वो हमारा 12 से 45 डिग्री सी पर ये ग्रो करता है, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 35 to 37 डिग्री सी, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। चलिए अब इसके कल्चर मीडिया के नेम की बात करते हैं। तो नेम ऑफ द कल्चर,
मीडिया, कल्चर मीडिया, कौन कौन से कल्चर मीडिया जो होते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस की ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस किस मीडिया के अंदर हम जो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है उसको ग्रो करा के देख सकते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा न्यूट्रेंट अगार मीडिया, नेक्स्ट होता है ब्लड अगार मीडिया, जेलेटिन स्टेप मीडिया, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार मीडिया विथ पॉलीमाइसिन लाइसोजाइम टेट्रा एसिटिक एसिड यानी कि इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं EDTA, ठीक है। ये सभी का यूज हम ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार के साथ कर सकते हैं। देन थैलोस एसिटेड, इन सभी का यूज़ करके हम जब बेसिलस एंथ्रेसिस होता है उसका डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिसेम्बलिंग लॉक ऑफ मैटेड हेयर सो कॉल्ड मेड्यूसा हेड लाइक अपीयरेंस, मतलब ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है, बेसिलस एंथ्रेसिस अपन ने अभी यहाँ पर आगे देखा है, ये इसका जो अपीयरेंस दिखाई दे रहा है मतलब किस तरह से दिखाई दे रहा है, हमारे गुथी हुई चोटी के समान दिखाई दे रहा है, गुथी हुई चोटी के समान इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, मेड्यूसा हेड लाइक अपीयरेंस हम इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टर की। तो कल्चर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बेसिलस एंथ्रेसिस दिखाई किस तरह से देता है, ठीक है। तो हमने कल्चर लगा लिया, कल्चर लगाने के बाद हमने उसे इंक्यूबेट कर दिया। तो इंक्यूबेट करने के बाद हम इसके देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट अगार में, इसकी जो कॉलोनीज होती है वो राउंडेड दिखाई देती है, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है 2 to 3 mm का होता है इसका डायमीटर, और ये ग्रेस वाइट इन कलर की हमें दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, आगे इसके बात करते हैं हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, नेक्स्ट आता है ब्लड अगार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, सॉरी PPT मिस हो गई है थोड़ी सी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहीं से अपन कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने टाइप तो किया था लेकिन पता नहीं कुछ टेक्निकल इरर की वजह से इसमें जो मटेरियल है वो दिखाई नहीं दे रहा कुछ, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जो इसका जो कल्चर कैरेक्टर्स होता है, कल्चर कैरेक्टर्स में न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में हम जब देखेंगे तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हमारा ओवरनाइट का होता है। इसमें जो कॉलोनीज होती है वो राउंडेड दिखाई देती है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 mm का होता है, ठीक है। और इसकी जो कॉलोनीज होती है वो रेस्ट होती है मतलब उभरी हुई कॉलोनी दिखाई देती है, और ओपेक होती है, ओपेक मतलब अपारदर्शी रहती है, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के अंदर हम बेसिलस एंथ्रेसिस का एग्जामिनेशन करेंगे तो इसकी जो कॉलोनीज होती है वो ग्रेस वाइट कलर में दिखाई देती है। ग्रेस वाइट कलर मतलब ना सफ़ेद ना काला, जैसे हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो बाल, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके जो बाल रहते हैं ना आधे काले रहते हैं और आधे सफ़ेद रहते हैं, मतलब उनका एक स्पेसिफिक कलर नहीं है कि पूरे सफ़ेद है और पूरे काले हैं, ठीक है। वो आधे काले और आधे सफ़ेद हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं वो ग्रेस वाइट कलर में, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बेसिलस एंथ्रेसिस ये भी ग्रेस वाइट कलर का हमें दिखाई देता है। आगे है हमारा ब्लड अगार, तो ब्लड अगार में ह्यूमिडिटी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जेलेटिन स्टेप मीडिया और बायोकेमिकल रिएक्शन, जेलेटिन स्टेप मीडिया बायोकेमिकल रिएक्शन रेसिस्टेंट, और जितने भी हमारे बच्चे हैं बाकी का हम नेक्स्ट डे इसे एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। आप सभी से दुआ की गुजारिश है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।